हाय गाइस, वेलकम टू द लर्निंग गार्डन। आई एम माही। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सिक्स सिविक बुक का चैप्टर थर्ड। उसके चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज़ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या होती है? आपने अपने घर में अपने मम्मी पापा या अपने भाई बहन या किसी को भी इस वर्ड का यूज़ करते हुए सुना होगा। वो कई बार गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोलते रहते हैं। तो आप इस टर्म से या इस वर्ड से क्या समझ रहे हो कि गवर्नमेंट क्या होती है, वो बताइए। क्या पॉलिटिशियन गवर्नमेंट होते हैं, या गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट होते हैं, या फिर जो पब्लिक होती है हम उसको गवर्नमेंट बोलते हैं? कि गवर्नमेंट होती क्या है? गवर्नमेंट का मतलब होता है इन तीनों का कलेक्टिव एफर्ट्स, यानी कि लोगों का कलेक्टिव एफर्ट्स जो होता है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पब्लिक, इन सब के एफर्ट्स मिलके जो एफर्ट लगते हैं वो गवर्नमेंट होती है। अब गवर्नमेंट हमारी लाइफ में किस तरह से इम्पोर्टेंट है और वो क्या क्या रोल प्ले करती है, ये इस चैप्टर की थीम है। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट किन किन कामों को करती है और किस तरीके से करती है, गवर्नमेंट के लेवल कौन कौन से होते हैं, लॉज ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट लॉज बनाती है और उसको ये पावर किसने दी कि वो लॉज बनाए, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स कितने टाइप होते हैं गवर्नमेंट के, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, वर्क्स परफॉर्म बाय गवर्नमेंट, कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो गवर्नमेंट करती है, उनको आप या हम जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो नहीं कर सकते, उनको सिर्फ गवर्नमेंट ही करती है। जैसे आपकी डे टू डे लाइफ में जो भी रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए डिसीजंस कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। अब वो रेगुलर एक्टिविटीज़ कौन सी होगी? जैसे किसी रोड का बनना हो गया, या फिर प्राइस को रेगुलेट करना हो गया, या आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना हो गया। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। टेक्स एक्शन ऑन सोशल इशूज़, वो सोशल इशूज़ पे एक्शन लेती है, यानी कि सामाजिक मुद्दों पर भी एक्शन लेती है। अब सामाजिक मुद्दों का मतलब जो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। अब सपोज आप किसी इंसान को बोलते हो कि ये गरीब है, तो आप एक इंडिविजुअल इंसान को इंडिकेट करो, लेकिन आप कह देते हो कि यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, तो फिर आप पूरे एरिया को या उस पूरी सोसाइटी को इंडिकेट कर रहे हो। अब कोई जाता है तो आप ये कह सकते हो कि ये गरीब इंसान जा रहा है, लेकिन क्या कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि गरीबी जा रही है, उसे ढूंढ के लाओ? तो ऐसे लाइन या फिर ऐसी वर्डिंग किसी ने यूज़ की है? क्योंकि होती ही नहीं है, यूज़ कहाँ से करेंगे। तो इनके लिए क्या करती है गवर्नमेंट कि वो टाइम टाइम पे पुअर लोगों के लिए प्रोग्राम्स को चलाती रहती है ताकि वो उनकी हेल्प कर सकें। और जो चाइल्ड मैरिज होती है, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि जो 18 साल से कम के बच्चे होते थे उनकी शादी कर देते थे, तो उनको कौन रोकता है? गवर्नमेंट रोकती है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको गवर्नमेंट करती है। अब जैसे हमारी जो आसपास में जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना और उनके साथ पीसफुल रिलेशंस को बनाए रखने का काम कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आप कहोगे कि मम्मी आज तो मेरे को बंदूक दे दो, मैं पूरे पाकिस्तान को ही उड़ा के आऊँगा। तो ऐसा तो कोई करता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करके कौन रखता है? गवर्नमेंट रखती है। व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक द सुनामी और एन अर्थक्वेक, इट इज़ गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइज एड एंड असिस्टेंट फॉर अफेक्टिंग पीपल। अब जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, सुनामी आ जाती है या फिर अर्थक्वेक आ जाता है, अब ये ऐसी चीज़ें तो है नहीं कि इनको कोई इन्वाइट करके आएगा, ये तो नेचुरल है, खुद ब खुद आ जाती हैं और कभी भी आ जाती हैं। अब आपने देखा हो ना कि अर्थक्वेक जब आता है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग्स टूट के गिर जाती हैं, तो बहुत सारे लोगों के घर टूट जाते हैं और वो एरियाज जहाँ पे अर्थक्वेक आता है वो इन एरियाज में फंस जाते हैं। तो वहाँ पे उनकी हेल्प कौन करता है और उनको उस एरिया से बाहर कौन निकालता है? गवर्नमेंट निकालती है। उनको रहने के लिए जगह देना, खाने के लिए फूड प्रोवाइड करवाना, ये सब काम गवर्नमेंट करती है। अब इतने सारे काम गवर्नमेंट कैसे करते हैं, उनको कैसे मैनेज करती है? अब जैसे लोगों के बीच में झगड़े हो जाते हैं या फिर कोई क्राइम कर देता है तो उनको पनिश भी गवर्नमेंट ही करती है, और वो किसके थ्रू करती है? कोर्ट्स के थ्रू, कि अगर किसी का झगड़ा हो जाए तो वो कोर्ट में जाके उन झगड़ों को निपटा सकते हैं, या फिर अगर किसी ने क्राइम कर दिया तो कोर्ट इनको पनिश कर सकता है। कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू
टू डू ऑल दिस एंड वाई इट इज नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती है और उनके लिए नेसेसरी क्यों है इनको मैनेज करना। अब देखिए जैसे फॉरेस्ट है, वहाँ पे क्या जानवरों के लिए कोई रूल्स या फिर कोई ऐसे सिस्टम थोड़ी होता है कि उनको इसके अकॉर्डिंग ही रहना है। वो तो अपनी मर्जी से रहते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कहीं से आते जाते हैं तो कभी कहीं से। अब जैसे फॉरेस्ट में सबसे पावरफुल कौन होता है? लॉयन होता है। तो वो हिरन को जैसे हंट शिकार करके खा जाता है। अब जब तक हिरन भाग रहा है तब तक वो अपनी जान बचा लेगा, लेकिन जब वो फंस गया तो वो मारा गया। सेम चीज़ हम ह्यूमन बींग्स के साथ होती है। अगर गवर्नमेंट नहीं होती और वो इन चीज़ों को मैनेज करके नहीं रखती, तो जो पावरफुल लोग हैं वो गरीब लोगों को बिल्कुल ही ख़त्म कर देते, मार मार के उनको ख़त्म कर देते बिल्कुल। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल बनाती है जो किसी इंडिविजुअल के नहीं बल्कि सबके ऊपर अप्लाई होते हैं, चाहे फिर कोई पावरफुल हो या ना हो, वो सबके लिए अप्लीकेबल होते हैं। अब लोगों के बिहाफ पे उनको हेल्प प्रोवाइड करवाना और उनके लिए बहुत सारी ड्यूटीज परफॉर्म करना, ये सब काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट हमारी लाइफ में किस तरह से रोल प्ले कर रही है और वो किन किन ड्यूटीज को परफॉर्म कर रही है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट इन सारे इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करती है तो वो कैसे करती है और वो टाइम पे सारे काम कैसे कर लेती है? अब इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है। अब ये तो है नहीं कि एक जगह पे बैठ के इतनी बड़ी कंट्री को मैनेज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दी, जैसे एजुकेशन बोर्ड हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज होगी। तो ये सारी उन्होंने अपनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दी जिसके थ्रू वो अपने काम को कंप्लीट करते हैं और अलग अलग लेवल पे करते हैं। वो लेवल कौन से हैं? जैसे नेशनल लेवल हो गया, नेशनल लेवल को सेंट्रल लेवल भी बोलते हैं, फिर स्टेट लेवल और लोकल लेवल, लोकल लेवल को डिस्ट्रिक्ट लेवल भी बोल सकते हैं। नेशनल लेवल वो होता है जब आप पूरी कंट्री को, एंटायर कंट्री यानी कि आप पूरे इंडिया को कंसिडर करके किसी काम को कर रहे हो या पूरे इंडिया को कंसिडर करके कोई लॉज इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी? नेशनल लेवल पे। और स्टेट लेवल क्या होता है? अलग अलग स्टेट को कवर करना, जैसे हरियाणा, आसाम, ये सब क्या है? स्टेट है हमारे, और वहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट होती है, तो वो अपने तरीके से वहाँ के काम को मैनेज करती है। और लोकल लेवल, जहाँ आपका गांव, आपका टाउन या फिर आपकी जो लोकेलिटी है, जैसे शहर वाले लोग म्यूनिसिपैलिटीज में आते हैं और गांव में पंचायत वगैरह होती है, तो इस तरह से जो जिस एरिया में रहता है, वो जिसके अंडर आता है, उसको बोलते हैं लोकल लेवल। तो ऐसे ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे परफॉर्म करती रहती है। और इतनी बड़ी कंट्री को मैनेज करके रखने के लिए उनको लेवल्स में काम करना पड़ता है। तो ये थे इसके लेवल्स, कि गवर्नमेंट के तीन लेवल होते हैं, नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल। इन तीनों लेवल्स पे वो अपने काम को अच्छे से मैनेज करके टाइम पे कंप्लीट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाकी के पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।